नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो वीडियो है मूल रूप से TGT PGT कला को न्यौछावर है और 25 क्वेश्चंस यहाँ लिए गए हैं, पटना शैली से लिए गए हैं। पटना कलम या फिर पटना शैली इतनी फेमस है बेटा कि 2 क्वेश्चंस अगली बार TGT में पूछे गए थे। यहाँ से 2021 वाली भर्ती में सीधे सीधे 2 क्वेश्चंस यहाँ से बने थे, तो इसलिए इसे पढ़ना बहुत आवश्यक है। हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन इसका एक बार और सुपरफास्ट रिविज़न देख ले रहे हैं। कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर छापना है। इसका जो है PDF फाइल पेड ग्रुप पे भेज दिया जा रहा है, उसमें कोई डाउट्स नहीं है। नया पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें ज़्यादातर वीडियो अनलिस्टेड रहेंगे बेटा, तो यूट्यूब पे शो नहीं होंगे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पटना कला शैली का विकास किन दो शैलियों के सम्मिश्रण से हुआ है? कौन कौन सी शैली मिलती है तो पटना शैली बनती है? ऑप्शंस में है यूरोपीय प्लस भारतीय शैली, यूरोपीय प्लस बंगाली शैली, ईसाई और हिंदू शैली, या फिर पाल और मुगल शैली। तो पटना शैली बेटा यूरोपीय शैली और भारतीय शैली का जब विकास होता है, दोनों एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो उसे पटना कला शैली के नाम से पुकारा जाता है। पटना शैली उसका नाम हो जाता है, जिसे हम लोग कंपनी शैली के नाम से भी जानते हैं या फिर कंपनी स्कूल के नाम से भी नवाजते हैं। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में कहा गया है, पटना किस केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा है? पटना किस केंद्र के रूप में फेमस रहा है बेटा? ऑप्शंस में है पात्र निर्माण, कंपनी शैली, सरकी शैली, या फिर बंगाल शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं पटना जो है, बिहार की राजधानी पटना, वो कंपनी शैली के लिए फेमस रहा है, क्योंकि उसका प्रधान केंद्र पटना ही रहा है। कंपनी शैली का मुख्य केंद्र पटना ही रहा है, इसी के नाम पे इसे पटना कलम शैली भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या तीन की। प्रश्न संख्या तीन में कहा गया है, पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है बेटा? ऑप्शंस में है कंपनी शैली, मुगल राजपूत शैली, बंगाल शैली, या फिर बिहार शैली। तो पटना शैली का दूसरा नाम हमने अभी स्टार्टिंग में बताया कि इसे कंपनी शैली भी कहा जाता है। राइट आंसर ए है। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, तो इसे कंपनी शैली इसीलिए कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या चार की तरफ बढ़ते हैं। चार में कहा गया है, कंपनी शैली के भारतीय केंद्र में प्रसिद्ध है, भारतीय केंद्र में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? तो मुर्शिदाबाद, कोलकाता, दिल्ली और पटना में राइट आंसर क्या बन रहा है? पटना ही बन रहा है, बिहार, यानी नीतीश बाबू वाला पटना। राइट आंसर सी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या पाँच की तरफ बढ़ते हैं। पाँच में भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा गया है। कहा जा रहा है, उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? अब चाहे उत्तर भारत पूछा जाए, चाहे कंपनी शैली का भारतीय केंद्र सबसे ज़्यादा फेमस कौन था, तब भी राइट आंसर वही बनेगा जो कंपनी शैली में उत्तर भारत का नाम जुड़ता है तब बनता है। राइट आंसर पटना के साथ ही जाएगा। याद रखना है बेटा, उत्तर भारत में सबसे अच्छा केंद्र जो है कंपनी शैली का, वो पटना ही रहा है। राइट आंसर सी बन रहा है। प्रश्न संख्या छः की बात करते हैं। छः में पूछा गया, कंपनी स्कूल की स्थापना कहाँ होती है? कंपनी स्कूल इस्टेब्लिश कहाँ किया जाता है? ऑप्शंस में है कांगड़ा, भोपाल, पटना, या फिर जयपुर। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो कंपनी स्कूल इस्टेब्लिश होता है बेटा पटना में, बिहार की राजधानी पटना। राइट आंसर जो है बी के साथ जा रहा है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सात की तरफ बढ़ते हैं। सात में पूछा गया, कंपनी अथवा पटना शैली सबसे पहले किस नगर में पल्लवित होती है? ऑप्शंस में है वाराणसी, पटना, मुर्शिदाबाद, या फिर कलकत्ता। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो कंपनी शैली अथवा पटना शैली सबसे पहले पटना शहर में जो है इस्टेब्लिश होती है, वहीं विकसित होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है। अच्छा, पटना शैली से कुछ चित्रकारों के नाम अभी नहीं आए हैं, उन्हें भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, इसी में देखने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। आठवां प्रश्न वही है। आठवां प्रश्न कह रहा है, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त होता है? तो किसने संरक्षण प्रदान किया बेटा? ऑप्शंस में है बिहार के राजाओं का, मिथिला के राजाओं का, अंग्रेजी शासन का, या फिर अंग्रेजी अधिकारियों का। तो पटना शैली के चित्रकारों को जो संरक्षण मिलता है वो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा मिलता है। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या नौ की तरफ बढ़ते हैं। नौ में पूछा गया है, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्रशैली का जन्म होता है वह कौन सी है? यूरोपीय चित्रशैली, कंपनी शैली, शास्त्रीय शैली, या फिर बंगाल शैली। तो बेटा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो शैली जन्म होती है, जो पनपती है, उसे हम लोग कंपनी शैली के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग पटना शैली भी कहते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 में कहा गया है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित हैं? ऑप्शंस में है दृश्य चित्र, युद्ध, जनमानस या फिर दरबार। तो कंपनी शैली के चित्रों में मूल रूप से जो विषय तैयार होता है वो होता है जनमानस का। ज़्यादातर जो है ऐसे चित्र दिखाई देते हैं। 148 पदों पे भर्ती है बेटा। अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, पसीना तो बहाना ही पड़ेगा, नोट डाउन तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, उसमें कोई डाउट्स नहीं है, उसमें कोई ये बट नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं जब आप सो रहे होंगे तब कोई पढ़ाई पढ़ रहा होगा, तब कोई पढ़ रहा होगा, तब जाके उसका सिलेक्शन होगा। वो आपसे आगे तब निकल पाएगा जब वो आपसे ज़्यादा पढ़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। कंपनी शैली का प्रारंभिक केंद्र रहा है या कहाँ था? ऑप्शंस में है कलकत्ता, भोपाल, लखनऊ, पटना। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बिहार की राजधानी पटना के साथ जाएगा। कंपनी शैली का सबसे पहला केंद्र भी पटना ही रहा है, क्योंकि कंपनी शैली वहीं जो है पल्लवित हुई है, वहीं जो है इस्टेब्लिश हुई है। राइट आंसर डी के साथ जा रहा है। प्रश्न संख्या 12 की तरफ बढ़ते हैं। 12 में कहा गया है, कंपनी शैली के चित्रों की तकनीकी थी। ऑप्शंस में है टेम्परा, एक्रेलिक, फ्रेस्को या फिर जल रंग। तो कंपनी शैली के ज़्यादातर जो चित्र प्राप्त हुए हैं बेटा वो प्राप्त हुए हैं जल रंग के। जल रंग कैसा होता है? पारदर्शी रंग होते हैं। इसकी एक जो खासियत है, बार बार पूछी जाती है, तो ये पारदर्शी होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। तो जल रंग कैसे रंग होते हैं? पारदर्शी होते हैं। कंपनी शैली के ज़्यादातर चित्र जल रंग में ही बनाए गए हैं। PGT 2021 में सीधे क्वेश्चन छपा है, आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 में कहा गया है, कंपनी शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? रामलाल, रामाधार, हसन राज या फिर ईश्वरी प्रसाद। तो कंपनी शैली के अच्छे कलाकार में नाम आता है ईश्वरी प्रसाद जी का। ईश्वरी प्रसाद राइट आंसर बनेंगे। कंपनी शैली या फिर पटना शैली के संबंध रखते हैं ईश्वरी प्रसाद जी। उल्लास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झूमक लाल, फकीर चंद्र, ये सब नाम, सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, ये सब जो है पटना शैली के अच्छे अच्छे चितैरे हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा, अक्सर लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, याद रखना है। पटना शैली का एक चित्रकार और है, टिली कैटल। टिली कैटल 2021 वाले पूछा गया था। टिली कैटल भी पटना शैली का ही चित्रकार है। आप जानते होंगे उसके दो चित्र बहुत फेमस हुए थे, आकृति और नर्तक। आकृति और नर्तक जो है दोनों बहुत फेमस हुए थे। इंग्लैंड का वो चित्रकार था, लेकिन वो पटना शैली में आके बसा और मूल रूप से उसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 में कहा गया है, पटना शैली का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शंस में है मंसूर, सेवक राम, बिशनदास या फिर मस्किन। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अभी जस्ट हमने बताया था जयराम, झूमक लाल, फकीर चंद्र, उल्लास लाल, ये सब नाम अभी जस्ट हमने लिया था। सेवक राम का भी नाम लिया था। तो सेवक राम जो है पटना शैली के अच्छे चित्रकार माने जाते हैं। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। मंसूर आप जानते होंगे, उस्ताद मंसूर जहांगीर के काल का है, ठीक है, बाजपक्षी चित्रकार के लिए फेमस है। मस्किन, बिशनदास, ये सब जो है, मस्किन, बिशनदास, मंसूर, ये सब जो है मुगल शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं, जबकि सेवक राम जो है पटना शैली का सबसे अच्छा चितेरा मान लिया जाता है। सी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 में कहा गया है, उल्लास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? अभी जस्ट हमने बताया है पटना शैली का या कंपनी शैली का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है उल्लास लाल। राइट आंसर एक के साथ जा रहा है। TGT 2021 में सीधे सीधे क्वेश्चन छपा है, इसलिए हल्के मत लीजिएगा बड़े, इससे बहुत ही हल्के मत लीजिएगा, ध्यान रखना है। उल्लास लाल सीधे 2021 में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार एकनाथ को पूछ लिया जाए, या फिर झूमक लाल को पूछ लिया जाए, या फिर फकीर चंद को पूछ लिया जाए। तो इसलिए डाटा आपको याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, वन लाइनर में पूछा जाएगा, और अगर आपको आता है तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। एक एक नंबर से घड़ा बढ़ता है, ये भी याद रखना है। जब एक एक नंबर आप जोड़ेंगे तब जाके 120 आपका स्कोर हो पाएगा। हमारा लक्ष्य 120 प्लस नंबर दिलाना, ठीक है। तो एक एक नंबर जब आप जोड़ेंगे तब जाके आप फाइनल हो पाएंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 16 की। 16 में कहा गया है, 19वीं शताब्दी के पटना शैली के चार प्रमुख चित्रकारों के नाम कौन कौन से हैं? ऑप्शंस में है सेवक राम, शिवलाल, उल्लास लाल, जयराम। उल्लास लाल, जयराम, झूमक लाल और हरिलाल। सेवक राम, शिवदयाल, हीरा लाल या फिर प्रेमलाल। गंगालाल, गंगाराम, हीरा लाल, जयराम या फिर झूमक लाल। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस में राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जो है सेवक राम, शिवलाल, उल्लास लाल और रामदास जो है अच्छे चितेरे माने जाते हैं। तो राइट आंसर जो है जयराम दास के साथ जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा गया है, इसमें से कौन कंपनी शैली का चित्रकार नहीं है, कंपनी शैली का चितेरा नहीं है? ऑप्शंस में है बिशनदास, शिवलाल, रामसेवक और जो है सेवक राम या फिर जयराम दास। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो बेटा कंपनी शैली का चितेरा यहाँ बिशनदास नहीं है। आप जानते होंगे बिशनदास किस शैली का है? मुगल शैली का अच्छा चितेरा है बिशनदास। राइट आंसर ये के साथ बन जाएगा। 2021 PGT यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 2021 में सीधा क्वेश्चन छपा है ये। नेक्स्ट
प्रश्न संख्या 18 की तरफ बढ़ते हैं। 18 में पूछा गया है, लघु चित्र शैली के सुप्रसिद्ध कलाकार सेवकराम डाडाडाड से संबंधित थे। सेवकराम का संबंध कहाँ से है? अभी जस्ट हमने बताया पटना शैली या फिर पहाड़ी शैली, नहीं पटना शैली या फिर कंपनी शैली के साथ जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर ए के साथ जाएगा, जो है सेवकराम का संबंध, ये राइट आंसर बन रहा है। चाहे वो सेवकराम का नाम पूछे, शिवलाल का नाम पूछे, जयराम दास का, झुमक लाल का, फकीर चंद का, ये सब नाम, ईश्वरी प्रसाद का, ये सब नाम जो है कंपनी शैली या फिर पटना शैली से ही जुड़े हुए हैं। सदैव याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का छपेगा। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में कहा गया है, लालचंद्र किस शैली के चित्रकार हैं? मुगल शैली, मसौली शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? कंपनी शैली या फिर पटना शैली के साथ चला जाएगा। बीज द राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 में कहा गया है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन सा है? ऑप्शंस में है क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, टिली कैटल या फिर नेविल तूली। तो बेटा राइट आंसर कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? तो टिली कैटल का दो चित्र हमने अभी जस्ट बताया था, आकृति और नर्तक, बहुत फेमस हुए हैं आकृति और नर्तक। मूल रूप से इंग्लैंड का एक चित्रकार है, लेकिन मद्रास में आकर के बस जाता है और टिली कैटल इसीलिए फेमस हो जाता है। 2021 में सीधे सीधे क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। तो आकृति और नर्तक आधुनिक कला दीर्घ मूल रूप से कहाँ रखा है? दिल्ली में रखा हुआ है। आकृति और नर्तक दोनों चित्र कहाँ रखे हुए हैं? तो आधुनिक कला दीर्घ दिल्ली में रखा हुआ है। किसका बनाया हुआ? टिली कैटल का बनाया हुआ। डी राइट आंसर बन रहा है, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट अगर आप नोट डाउन करते हैं तभी जाके आपका काम बन पाएगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूं आप लोग पेन पेपर उठा के ही बैठिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। पूछा गया पटना स्कूल का चित्र है, ऑप्शंस में है बरसात, फिरका, खिलाड़ी या फिर भेछड़ी। तो बड़ा पटना स्कूल के जो ज़्यादातर चित्र बने हैं वो फिरका के रूप में बने हैं। फिरका राइट आंसर बन रहा है। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 22 में क्या कहा गया है? 22 में कहा गया है, लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। किससे खरीदे? सेवकराम से, अबुल हसन से, गुमनाम से या फिर जगन्नाथ से। तो लॉर्ड मिंटो ने ज़्यादातर जो खरीदे हैं चित्र वो कंपनी शैली के सेवकराम से ही खरीदे हैं। सेवकराम इसका राइट आंसर बन रहा है, यानी ए इज द राइट आंसर हो जा रहा है। सदैव आपको याद रखना है, 5-6 नाम जरूर याद रखने हैं, उल्लास लाल, शिवलाल, जयराम दास, झोमक लाल, फकीर चंद, सेवकराम या फिर ईश्वरी प्रसाद, ये सब नाम आपको सदैव याद रखने हैं। एक नाम और, टिली कैटल। टिली कैटल का संबंध कंपनी शैली या फिर पटना शैली से ही है। दो चित्र इनके बहुत फेमस हैं, आकृति और नर्तकी कहाँ रखे हुए हैं बेटा? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ नई दिल्ली में सुरक्षित रखे हुए हैं, इन्हें आपको याद रखना है। इंग्लैंड के चित्रकार थे, मद्रास में आकर के बस गए, यहाँ पे चित्रकारी की बहुत फेमस हो गए, ठीक है, टिली कैटल। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की तरफ बढ़ते हैं। 23 में पूछा गया है, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है? क्षेत्रीय मुगल शैली, कांगड़ा शैली, कंपनी शैली या फिर दक्कनी शैली। तो मुगल शैली के पश्चात जो है नई शैली जो आती है उसे हम लोग कंपनी शैली या फिर पटना शैली के नाम से जानते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। 24वां क्वेश्चन कह रहा है मुगल शैली के पतन के बाद किस शैली का जन्म होता है? तो आप जानते हैं कंपनी शैली या फिर पटना शैली का जन्म होता है। राइट आंसर डी के साथ बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कंपनी शैली में कि जो है कंपनी शैली के मुख्य अधेत्या थे कौन थे बेटा? मुख्य अधेत्या कौन थे? ऑप्शन है मिसेज हेरिंगम, मिसेज आर्चर, मिसेज हैवेल या फिर मिसेज गांगुली। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? मिसेज आर्चर के साथ जाएगा। कंपनी शैली के मुख्य अधेत्या के रूप में मिसेज आर्चर फेमस रहे हैं। बी राइट आंसर हो जा रहा है। तो इस टाइप से 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कंपनी शैली में इतने ही क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, प्रीवियस ईयर के हैं, सभी को एकदम रट डालना है। 5-7 नाम आपको सदैव याद रखना है, ईश्वरी प्रसाद, सेवकराम, उल्लास लाल, शिवदास और जयराम दास, झुमक लाल और फकीरचंद मूल रूप से बहुत अच्छे चित्रे हैं, इन्हें सदैव याद रखना है। एक नाम और आपको याद रखना है, कौन? इंग्लैंड वाले बाबा, यानी टिली कैटल का। टिली कैटल, आकृति और नर्तकी, दो रचने इनके हैं, आकृति और नर्तक। ये दोनों कहाँ रखे हुए हैं? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।